साफ सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा आसान। जिन पैरा कमांडोज ने म्यांमार और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का काम तमाम किया, हिंदुस्तान के जिन रणवीरों ने दहशतगर्दों को पलट झपकते ही मौत के घाट उतारा, जिनके दम पर भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर दुश्मनों के ठिकाने तबाह किए, जिनके एक वार से पीओके में बैठा आतंक का धर धर कांपने लगा, उन पैरा कमांडोज को अब मॉडर्न हथियारों से लैस करने की तैयारी। पैरा कमांडोज हिंदुस्तान की शान है, इनकी ताकत का लोहा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने देखा था, और अब ये दुनिया मान चुकी है कि भारत के ये पैरा कमांडोज किसी से कम नहीं है। ऐसे में जब इनको आधुनिक हथियार मिल जाएंगे तो इनकी ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। सेना के सूत्रों की माने तो पैरा कमांडोज के हाथ में ऐसे आधुनिक हथियार होंगे जिसके बाद हर बार और घातक हो जाएगा। इन हथियारों के मिलने पर पैरा कमांडोज के अटैक से दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन होगा। सूत्रों के मुताबिक सेना का दावा है कि इन हथियारों के मिलने पर पैरा कमांडोज की ताकत 10 गुना बढ़ सकती है। अपग्रेडेशन जो है हथियारों का और इक्विपमेंट है, वो उनको जल्द से जल्द स्विफ्टली दुश्मन के इलाके में जाके, दुश्मन के पीछे जाके हमला करके वापस आने की काबिलियत देने के लिए हमें ये हथियारों की जरूरत है। वैसे एक सोल्जर को पूरे वो इक्विपमेंट देना चाहिए ताकि वो कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन भी, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलना कमांडो के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी दुश्मन कहाँ है, कहाँ छिपा है, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि उधर जाने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन भी मिलने के साधन जो है कमांडोज को पूरी तरह से देने की कोशिश है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने आर्मी की स्पेशल फोर्सेस को अमेरिका के नेवी सील कमांडो जैसे आधुनिक हथियार और उपकरण देने का फैसला किया है, और इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जानकारी के मुताबिक 24 लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर, 20 शॉटगन, 30 स्नाइपर राइफल, 500 पिस्तौल, 10,000 फ्री फॉल पैराशूट और 1100 पर्सनल ऑटोमेटिक राइफल पैरा कमांडोज के दस्ते में शामिल की जाएंगी। इन हथियारों के दम पर पैरा कमांडोज बहुत खतरनाक हो जाएंगे, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हमारे जांबाज कमांडो बड़ी खामोशी से खतरनाक मिशन को अंजाम देकर अपने कैंप में वापस लौटाएंगे। पैरा कमांडोज आतंकियों का काल है। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा कमांडोज आतंकियों पर मौत बनकर टूट पड़े थे। ऐसे में अगर इन्हीं पैरा कमांडो के हाथों में आधुनिक हथियार होंगे तो वो ज्यादा दूर तक अपना टारगेट पूरा करके चुपचाप वापस लौट सकते हैं। हिंदुस्तान के पैरा कमांडोज मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। हर मिशन में उन्होंने अपने जज्बे और हिम्मत से लोगों को चौंकाया है। टीम न्यूज़ नेशन। की ताकत दुनिया देख चुकी है, आतंकियों के लिए ये काल कमांडो है। आइए अब आपको बताते हैं कि पैरा कमांडोज की ताकत में इजाफा करने के लिए कौन कौन से आधुनिक हथियार उन्हें मिलने वाले हैं। घातक हथियार जिनका हर वार दुश्मन के लिए काल बन जाएगा। हथियार ऐसे कि एक वार और दुश्मन धराशायी, उसे पानी तक मांगने का वक्त नहीं मिलेगा। छिप कर बैठे दुश्मन पर अटैक करना हो या फिर बैरल गन और छोटे टैंकों पर हमला, ये रॉकेट लॉन्चर दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक साथ कई रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। ये 66 इंच लंबा रॉकेट लॉन्चर होता है। आम रॉकेट लॉन्चर की तुलना में ये काफी हल्का होता है। इसका वजन 15 किलो होता है। कमांडो ऑपरेशन के दौरान इसे कंधे पर ले जा सकते हैं। इसे पैरा कमांडो के अटैक हेलीकॉप्टर में भी
फिट किया जा सकता है। ये एक मिनट में 7 राउंड गोले दाग सकता है। कोई आर्मर्ड कार्स होते हैं, आर्मर्ड टैंक्स होते हैं, इनको बर्बाद करने में उसका है। हवाई जहाज के लिए के खिलाफ भी इस्तेमाल करने वाले, अभी जैसे हेलीकॉप्टर्स है, अगर हम रेड किया दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स आया उनको उड़ाने में भी है। और आज इतने सोफिस्टिकेटेड आपके पास शोल्डर फायर्ड ये रॉकेट लॉन्चर्स है कि जैसा कि जो भी टारगेट होगा उस पर हमने लॉक किया तो वो जो रॉकेट है उसको फॉलो करके उसको ख़त्म करता है। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर की आमद होगी। मिशन के दौरान कमांडोज का समय लोडिंग में खराब ना हो और वो लगातार फायर कर सके, इसलिए ऑटोमेटिक राइफल की जरूरत पड़ती है। इनमें ऑटो लोडिंग का ऑप्शन होता है, यानी राइफल में गोलियां खुद ही चेन सिस्टम से भर ली जाती है। हथियार जो वो लेंगे वो 3 किस्म के होते हैं, एक तो ग्रेनेड वगैरह, वो तो सबको पता है, लेकिन असॉल्ट राइफल, उसके पीछे वाले को स्नाइपर राइफल और एक को कार्बाइन। कार्बाइन बिल्कुल 40 लोग आधे मिनट में मार सकता है। तो ये जो हथियार है ये आगे बढ़ते हैं और उनको भी बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्नाइपर राइफल यानी अचूक निशाने वाली गन, इस गन को ऑपरेट करने वाले स्नाइपर्स कहलाते हैं। इस राइफल की मदद से कमांडो ग्राउंड मिशन के दौरान दुश्मनों को कई मीटर दूर से मार सकते हैं। यह बेहद खतरनाक हथियार है, इसका निशाना कभी चूकता नहीं है। कई मीटर दूर बैठकर भी छुपे हुए दुश्मन को पल भर में मौत की नींद सुला सकते हैं, इसलिए इसे चलती फिरती मौत भी कहा जाता है। स्नाइपर राइफल पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, इसके जरिए कई सौ मीटर दूर से दुश्मन की पोजीशन और लोकेशन का पता लगा सकते हैं। स्नाइपर राइफल दूर से स्नाइपर के साथ जो टेलीस्कोप होता है उससे बिल्कुल एक जगह ही निशाना होती है, तो असॉल्ट में बहुत लोग मार सकते हैं और स्नाइपर राइफल के साथ एक एक करके। स्नाइपर हो या फिर रॉकेट लॉन्चर, ये ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिसके इस्तेमाल से छिपकर बैठे दुश्मन पर अटैक करना आसान हो जाएगा और हमले के वक्त दुश्मन को तुरंत जवाब दिया जा सकेगा। साफ है कि ये आधुनिक हथियार पैरा कमांडो को और खतरनाक बना देंगे, साथ इन हथियारों से भारतीय सेना के कमांडो को जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और ऊंचे और बेहद मुश्किल इलाकों में सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने में मदद मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। जो नए और आधुनिक हथियार पैरा कमांडोज को मिलने वाले हैं उनका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी सील कमांडो करते हैं। जिन हथियारों के दम पर नेवी सील कमांडो ने खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। आपको बताते हैं कि कौन कौन से ये हथियार हैं जिनका इस्तेमाल जल्द ही पैरा कमांडोज कर सकेंगे। नाम भले ही शॉटगन, लेकिन ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली गन। शॉटगन एक तरह की बंदूक होती है, ये पैलेट गन की तरह ही इस्तेमाल होती है ताकि बिना निशाना लगाए ही एक फायर में कई दुश्मनों को घायल किया जा सके। आमतौर पर इसमें स्टील के छर्रों का इस्तेमाल होता है जो दुश्मन को पूरी तरह जख्मी कर देती। शॉटगन जो है वो तो स्पोर्ट्स के लिए भी होता है, मारने के लिए, उसमें पैलेट्स होते हैं। शॉटगन के अंदर 200, 300, 400 पैलेट होते हैं और दूर जाके गोलाई में बहुत नुकसान करते हैं। आंख में लग गया या बॉडी में लग गया या कहीं लग गया तो ज्यादा नुकसान है, नहीं तो जो आदमी है वो घायल हो जाता है। ज्यादा मरते नहीं है, अगर जो बहुत पास से किया तो जरूर खतरनाक है बिल्कुल वो शॉटगन। पैरा कमांडो को 500 ऐसी आधुनिक पिस्तौल मिलने वाली है जो बिना आवाज किए दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। इसका हमला इतना सटीक होता है कि दुश्मन को कानो कान खबर नहीं लगती। गुपचुप मिशन के दौरान दुश्मन की निगाहों से बचकर हमला करना हो या बिना आवाज किए दुश्मन को मार गिराना, इसके लिए ऐसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाता है। ये टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। अगर कमांडो दुश्मनों से घिर जाए तो इस हथियार से मुकाबला किया जा सकता है।
पैरा कमांडो को 10,000 फ्री फॉल पैराशूट मिलने वाले हैं, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक में काफी ऊंचाई से जमीन पर कूदने में मदद मिलेगी। कई बार पैराशूट कमांडो को 30,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगानी पड़ती। मिशन के दौरान कमांडो को एक पैराशूट के जरिए पहले से तय टारगेट तक नीचे सरकना होता है। खुले में गिरते वक्त कमांडो को हाइपोक्सिया, कम तापमान, हवा की रफ्तार जैसी दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है, इसलिए कमांडो को एक कॉम्बैट फ्रीफॉल पैराशूट दिया जाता है। इस फ्रीफॉल पैराशूट में ऑक्सीजन सिलेंडर, सिक्योरिटी के लिए कपड़े और हेलमेट, जंप शूट, कम्युनिकेशन हेलमेट, दस्ताने, जूते, चश्मे और जैक चाकू जैसे कई उपकरण होते हैं। इसमें फायदा यह है कि आप अपने बॉर्डर के मतवाजी पैरेलल फ्लाई करते हुए एयरक्राफ्ट से ये काफी ऊंचाई से ये पैरा कमांडो जंप मारते हैं और अपना पैराशूट बिल्कुल लास्ट में खोलते हैं और बिल्कुल अपने पैराशूट को लेकर ये पिन पॉइंट गाइडेंस कर सकते हैं कि जहां भी इनको लैंड करना है 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस के ऊपर आप पहुंच सकते हैं। और इसका फायदा यह है कि ना तो कोई आवाज आती है, जमीनी खतरा आपको बोल लेना पड़ता है हवा से आते हुए, और ना ही कोई रडार सिग्नेचर आता है, रडार भी नहीं पकड़ सकता इसको आते हुए, और हम सीधा दुश्मन के गहराई में जाके उसको भारी नुकसान पहुंचा सकते। इन खतरनाक हथियारों के भारतीय बेड़े में आने से पैरा कमांडो की ताकत अमेरिका के नेवी सील कमांडो के बराबर हो जाएगी। कमांडोज को जिस तरह के हथियार देने की बात की जा रही है, उन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका की नेवी सील कमांडो करते हैं। ये वही सील कमांडो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी थी। इन हथियारों के दम पर रात में हमला करना और आसान हो जाएगा, साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन टाइम में अंजाम दिया जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।